लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं, एक ऐसा चित्र है, एक ऐसी छवि है जिसे ये हर किसी को अपने पूजा स्थान पर जरूर रखनी चाहिए। और ये चित्र या फिर छवि है श्री राम दरबार की। वह चित्र जिसमें भगवान श्री राम, माता सीता, अपने तीनों भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और अपने अनन्य भक्त हनुमान जी महाराज के साथ विराजमान हो, ये वह चित्र है जिसे श्री राम दरबार कहा जाता है। दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि हर किसी को अपने घर में श्री राम दरबार क्यों रखना चाहिए। दोस्तों श्री राम दरबार के चित्र में घर में फैली हुई नकारात्मक ऊर्जाओं का शमन करने की शक्ति है। इसीलिए जैसे ही आप भगवान श्री राम को अपने घर में अपने पूजा स्थल पर स्थान देते हैं, वैसे ही आपके घर में राम राज्य आ जाता है। आपका घर सदा सदा के लिए नकारात्मक ऊर्जाओं से बचा रहता है, क्योंकि भगवान श्री राम जहाँ निवास करते हैं वहाँ के द्वार पर हनुमान जी स्वतः ही रक्षा करते हैं। इसके अलावा राम दरबार का चित्र लगाने से घर के सदस्यों के आपसी संबंध मधुर होते हैं। घर के सदस्यों के मनमुटाव दूर करके सबकी मानसिकता को ठीक करने के लिए राम दरबार सबसे श्रेष्ठ है। प्रतिदिन घर में राम दरबार के दर्शन और पूजा से परिवार के सभी सदस्यों का आपसी प्रेम बढ़ता है, जिसके कारण से परिवार में किसी भी प्रकार का क्लेश नहीं उपजता। दोस्तों इस चित्र को पूर्व दिशा की ओर लगाया जाए तो अति उत्तम रहता है। साथ ही इसे ऐसे स्थान पर लगाना चाहिए जहां पर सभी सदस्य इसको आसानी से देख पाए। प्रतिदिन श्री राम के दर्शन से परिवार के सभी सदस्यों की सोच सकारात्मक बनेगी और साथ ही श्री राम के आशीर्वाद मिलने पर घर परिवार पर किसी भी प्रकार की विपदा नहीं आती। परिवार में सदा के लिए एकता बनी रहती है। और दोस्तों अन्य एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि श्री राम दरबार के चित्र में लक्ष्मी स्वरूप माता जानकी को भी स्थान है, जिस कारण से घर की आर्थिक परिस्थिति में भी सुधार आता है और धन संबंधित समस्याएं सुलझने लगती है। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, यदि आप भी ये चाहते हैं कि आपको और आपके परिवार को भगवान श्री राम के आशीर्वाद